हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है डायपर्स पर। हम में से बहुत से पेरेंट्स जो हैं इस बात को लेकर वरेड रहते हैं कि बेबीज़ को डायपर पहनाना सही है या नहीं। इवन मैं भी बहुत ज़्यादा वरेड थी इस चीज़ के लिए कि मैं अपने बेबी को डायपर पहनाऊँ कि नहीं, क्योंकि डायपर्स से बेबी को बहुत सारे एलर्जीज़, रैशेज, काफ़ी सारी चीज़ें होने की प्रॉब्लम रहती है। पर मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, इवन मैंने रिसर्च की काफ़ी, और मैंने ये देखा कि डायपर्स जो हैं बेबीज़ के लिए टोटली सेफ़ हैं। बट उनको यूज़ करते वक्त हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे डायपर से होने वाले रैशेज या एलर्जीज़ या जो रेडनेस बेबी की स्किन पे हो जाती है उनसे बच सकें। बेबीज़ की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है, तो डायपर्स हाँ हम यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फर्स्ट इज़ राइट क्वालिटी ऑफ डायपर। जब भी आप अपने बेबी के लिए डायपर खरीदने जाएं तो एक अच्छी क्वालिटी और अच्छी ब्रांड का ही डायपर खरीदें, बिकॉज वो बेबी की स्किन के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं एडवाइज़ करूँगी कि आप जेल बेस्ड डायपर्स पे ही मनी लगाएं, बिकॉज क्या होता है कि जो जेल बेस्ड डायपर्स होते हैं उनकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है ज़्यादा होती है और वो बेबी की स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप बेबी के लिए डायपर खरीदने जा रहे हैं तो ऐसी कुछ चीज़ें जिनका आप ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम बेबीज़ के लिए डायपर्स खरीदते हैं तो डायपर्स के ऊपर बेबी का एक एज और वेट मेंशन होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको बेबी का डायपर जो है ख़रीदना चाहिए। जैसे बेबीज़ की एज 0 to 3 months, 3 to 6, 6 to 9, ऐसे अलग अलग डायपर्स आते हैं और उस पर बेबीज़ का वेट भी मेंशन होता है। तो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक डायपर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ बेबी के लिए, और ये इसका साइज़ है स्मॉल वाला। मेरी बेबी 3 months की है और ये स्मॉल साइज़ है, और इस पर इसका वेट मेंशन है, देखिए अप टू 8 kgs। तो ये जो डायपर है ये मेरी बेबी को अभी फ़िलहाल ठीक है, मतलब अच्छा लग रहा है उसको, और ये डायपर मैं अपनी बेबी के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो जब भी आप ख़रीदने जाएँ तो इस तरह का चीज़ ज़रूर देखें डायपर के ऊपर, कि उस पर जो है एज और वेट ज़रूर मेंशन हो, और अपने बेबी की एज और वेट के अकॉर्डिंग आप उसको लें। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि अपने बेबी के लिए डायपर लेते वक्त आप जो है एकदम से काफ़ी सारे डायपर ना लें, बल्क में ना ले लें। इससे क्या होगा कि हो सकता है आपके बेबी को वो सूट ना करें या कोई और प्रॉब्लम हो। मैंने अपने केस में क्या किया था, अपने बेबी के लिए जो मेरे फ्रेंड्स ने कुछ डायपर सजेस्ट किए थे, तो मैंने जैसे दो ब्रांड हैं तो दो ब्रांड के जो है 4-4 पीस वाले जो सैम्पल आते हैं मैंने वो लिए, और मैंने अपने बेबी को उसको पहना कर देखा कि वो साइज़ उसको सही है और या फिर कोई लीकेज प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा टाइट ना हो, ज़्यादा लूज़ ना हो। तो एक डायपर मुझे जो अच्छा लगा फिर मैं वही उसको यूज़ कर रही हूँ और उस पर अच्छा सूट भी हो रहा है। तो जो डायपर्स होते हैं उनको लेते वक्त इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि डायपर्स काफ़ी टाइट या काफ़ी लूज़ ना हो। अगर डायपर्स जो है टाइट होंगे तो क्या होगा कि बेबी अनकम्फर्टेबल रहेगा, बेबी लेग मूवमेंट्स नहीं कर पाएगा ज़्यादा, और अगर डायपर्स काफ़ी लूज़ होंगे तो उससे जो है लीकेज के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए करेक्ट साइज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि जब भी आप डायपर लें तो बेबी के वेट या साइज़ से, मतलब एक बड़ा साइज़ लें। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका बेबी ग्रोइंग स्टेज में है तो वो डायपर्स आप अगर इनकेस आप ज़्यादा ले लिया तो आप आगे यूज़ भी कर सकते हैं, और बेबी की लेग मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगी, बेबी अच्छे से मूव कर पाएगा, जो कि बेबी के लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट है सही तरीका डायपर पहनाने का। जब आप बेबी को डायपर पहनाएंगे तो डायपर लगाते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि जो डायपर है वो डायपर एरिया में, मतलब बिल्कुल मिडल में हो, एकदम साइड में ना हो। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि बच्चे को लीकेज होने के चांसेस रहेंगे, जिससे बच्चों के कपड़े जो हैं गीले हो जाएंगे या फिर गंदे हो जाएंगे। तो डायपर लगाते वक्त डायपर को सही तरीके से लगाना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप डायपर को अगर इस तरीके से, जो मैं आपको अभी बात बताने वाली हूँ, अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखिए तो आप ध्यान रखेंगे तो आप मान लीजिए कि बिल्कुल भी डायपर से होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो बेबी को नहीं होंगी। ये चीज़ होती है कि जब भी आप डायपर को यूज़ करें तो आपको 2 से 3 घंटे में बच्चे के डायपर को चेंज करना ही है,
क्योंकि बेबी का जो डायपर है वो गीला हो जाता है, ठीक है वो वेट है आपको नहीं पता चल रहा है, पर बेबी अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देता है आफ्टर 2 to 3 आवर्स। तो टाइम टू टाइम डायपर्स को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ बेबी की जो स्किन है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सेंसिटिव है उस पर रैशेज़ होने शुरू हो जाएंगे और बेबी को रेडनेस और काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी जो कि वर्स हो सकती हैं अगर आप उसको टाइम टू टाइम चेंज ना करें। इसके अलावा आप ठीक है डायपर्स चेंज कर रहे हैं 2 to 3 आवर्स में चेंज कर रहे हैं, आप जो है अपने बेबी को थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका बेबी ज़्यादा पी कर रहा है तो आप अपने बेबी के डायपर को 2 आवर्स में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है बेबी के ऊपर कि वो कितना पी कर रहा है। और इसके अलावा ठीक है पी कर रहा है आप 2 to 3 आवर्स में चेंज कर रहे हैं, आप वेट कर सकते हैं, अगर बेबी जो है पी कर रहा है 2 या 3 टाइम्स करता है तो आप फिर भी उसको रख सकते हैं। पर अगर बेबी पूप कर देता है तो आपको इमिडिएटली डायपर को चेंज करना है, नहीं तो उसमें जो है जो बैक्टीरिया होते हैं वो बेबी की स्किन को अफेक्ट करेंगे और जो है बेबी की स्किन को आप बिल्कुल भी मतलब हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो जब भी वो पूप करे इमिडिएटली आप डायपर को चेंज करें। नेक्स्ट, डायपर एरिया की सफाई रखना, क्लीनलीनेस मेंटेन करना, हाइजीन मेंटेन करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कर रही हैं आप जब भी आप डायपर को चेंज करें? मैंने ऐसा देखा है कि कई लोग बस डायपर चेंज करके एक निकालते हैं और दूसरा तभी के तभी पहना देते हैं। इससे क्या होता है, इससे बेबी को सबसे ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। आप क्या कीजिए, जब भी आप डायपर निकालें, इवन बेबी ने अगर पी भी किया है तो भी आप उसको वाइप से क्लीन कर सकते हैं। और वाइप्स यूज़ करते वक्त ध्यान रखें कि जो वाइप्स होती हैं वो बेबी फ्रेंडली हों, स्किन बेबी की स्किन फ्रेंडली हों। जो वाइप्स होती हैं उनमें एल्कोहल और पैराबेंस जैसे केमिकल्स नहीं होने चाहिए जो कि क्या करते हैं बेबी की स्किन को ड्राई करते हैं और बेबी की स्किन के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। इसकी जगह मैं आपको एडवाइस करूंगी कि बेबी की स्किन को क्लीन करने के लिए आप कॉटन यूज़ कर सकते हैं जो कि गर्म पानी में उससे साफ़ कर सकते हैं उसके डायपर एरिया को, या फिर एक कॉटन क्लोथ ले लीजिए जिसको आप गर्म पानी में डिप करके उसके उस एरिया को क्लीन कर सकते हैं। तो कैसे साफ़ करेंगे आप, जब आप डायपर निकालते हैं मान लीजिए तो कॉटन से आप उसको गर्म पानी में भिगो के उस एरिया को साफ़ कीजिए, फिर थोड़ी देर उस एरिया को एयर ड्राई होने दीजिए फॉर 2 to 3 मिनट्स ताकि बेबी की स्किन को थोड़ी सी हवा लगे, क्योंकि वो पूरे दिन पैक रहता है तो ये भी सही नहीं है। थोड़ी देर हवा लगने के बाद जब आपको लगता है कि स्किन थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है तब आप उस जगह पे कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल जो है बेबीज़ की स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके अलावा अगर आप कोई रैश क्रीम यूज़ करना चाहती हैं तो आप रैश क्रीम भी यूज़ कर सकती हैं। वो अप्लाई करने के बाद तब आप बेबी को जो है डायपर पहनाइए। और ऐसा नहीं है कि रैश क्रीम तभी अप्लाई करते हैं जब बेबी को रैश हो रहे हों, वो एक प्रोटेक्शन के लिए हैं कि बेबी को रैश ना हो, तो आप रैश क्रीम लगा के और फिर उसको डायपर को चेंज कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए कि आपके बेबी को डायपर रैश हो चुका है, हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं इस केस में, आपको स्ट्रिक्टली फॉर 2 to 3 डेज एटलीस्ट उन डायपर्स को टोटली अवॉइड करना है। बिल्कुल भी बेबीज़ को डायपर मत पहनाइए उस टाइम पे, अदरवाइज़ क्या होगा कि बेबी के जो रैशेज हैं और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और उसकी जगह करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं कि जो बेबी को जो है कॉटन के लोअर्स या फिर जो घर में कॉटन के नैपीज आप बनाते हैं वो यूज़ करें, और बेबी को जो है जितनी ज़्यादा हवा लगे उस एरिया में वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उस टाइम के लिए। कोकोनट ऑयल, रैश क्रीम, ये आप रेगुलरली अप्लाई करते रहें। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब आपके बेबी को रैश हो रहे हो तो ऐसा ना करें कि कोकोनट ऑयल और रैश क्रीम लगाने के बाद आप उस जगह पे पाउडर अप्लाई कर रहे हैं कि बेबी को जल्दी हील हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या होता है, वो पाउडर जो है स्किन पे वहीं जाके जो है चिपक जाएगा और चिपकने के बाद जो है वो उस रैश को और ज़्यादा वर्स कर देगा। तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे बेबी की इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल करना, तो उस टाइम पर टोटली आप डायपर्स को अवॉइड करें और कोकोनट ऑयल और रैश क्रीम लगाते रहें। नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रैश क्रीम। जी हाँ, जब आप जो है बेबी के जो डायपर एरिया है उस पर आप जो मसाज करते हैं आप कोकोनट ऑयल से करते हैं, कोकोनट बहुत ही अच्छा है, सबको सूट कर जाता है, हर बेबी की स्किन को सूट करता है। पर इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वो एक अच्छी रैश क्रीम अप्लाई करें, और ठीक है तो आप अच्छे जो है एक ब्रांड लीजिए, अच्छा ब्रांड यूज़ कीजिए बेबी के रैश के लिए, जिससे कि जो है बेबी को जो रैश क्रीम है वो सूट करेगी और इसके बेबी के लिए अच्छी रहेगी। पर जब भी आप रैश क्रीम खरीदें तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो रैश क्रीम है उसमें जिंक ऑक्साइड नाम का एक केमिकल ज़रूर होना चाहिए। वो क्या होता है, वो बेबी की स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, रैश को अच्छे से ट्रीट करता है। वो जो जिंक ऑक्साइड है बेबी की स्किन पे एक लेयर, एक बैरियर बना देता है जिससे कि जो मॉइस्चर है वो बेबी की स्किन में
एकदम से नहीं चला जाएगा, वो एक बैरियर क्रिएट कर देता है जिससे जो बेबी को होने वाले स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है आप अपने बेबीज़ को डायपर्स बनाते हैं, बाहर जाते हैं, घर पर रहते हैं, आप वर्किंग है, ठीक है आप डायपर्स बना के रखते हैं, बट ऐसा मैं बहुत सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि जिस टाइम आप घर पे हों, जैसे दिन का टाइम है, दिन के टाइम में जो है आप उसको ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से, तो आप जो है उस टाइम एटलीस्ट फॉर 2 to 3 hours डेली उसको बिना डायपर के रखिए, उसके जो स्किन है उसमें एयर का जो है फ्लो होने दीजिए, एयर को जो है उसकी स्किन को ब्रीथ करने दीजिए, जिससे क्या होगा बेबी की स्किन जो है अच्छी रहेगी और बेबी में स्किन प्रॉब्लम होने के चांसेस जो है कम हो जाएंगे। और जो है क्या बोलते हैं, रात के टाइम आप डायपर्स को जरूर लगाते हैं क्योंकि बेबी की जो है स्लीप डिस्टर्ब ना हो, पर दिन में आप ऐसा ज़रूर करें और कॉटन के क्लोथ्स बना के रखें कि उससे भी एयर जो है अच्छे से बेबी को लगती रहती है, स्किन उसकी ड्राई रहेगी। और आप खुद देखेंगे कि जब आप बेबी और बेबी को डायपर से फ्री करते हैं, डायपर निकालते हैं, तो बेबी बहुत अच्छे से स्माइल देने लग जाता है, तो बेबी को भी थोड़ा सा फ्री होना अच्छा लगता है। तो आपको उसको फ्री रखें, दिन के टाइम में आप रख सकते हैं अगर आपको रात में प्रॉब्लम है, और ये जो है बेबी की स्किन को सच में जो है काफ़ी अच्छा लगता है। तो यही सारे थे ऐसे कुछ टिप्स जो आप डायपर्स यूज़ करते वक्त अपने बेबी पर अगर यूज़ करेंगे तो बेबी को स्किन प्रॉब्लम, रैशेस, एलर्जीज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपने बेबी को डायपर यूज़ करते इन सभी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा और जो है बेबी को मेरे टच वुड आज तक कभी भी कोई रैशेज वाली प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ टिप्स हैं जो हमें यूज़ करनी चाहिए और जिससे बेबी के रैशेस को हम अवॉइड कर सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं डायपर्स को यूज़ करते वक्त, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो मॉमीज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे चैनल की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।